कैसे हैं आप सब? आई होप आपका बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिया ड्रेस डिजाइनर में। तो आज हम आपको बताने वाले हैंड बैग, जिसे मैंने राइस बैग के साथ रेडी किया है। मैं आपको फुल डिटेल में बैग बनाना बताऊंगी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते, हम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ मैंने फैब्रिक लिया, इसे जो मैंने स्टिच कर लिया राइस बैग के साथ। तो नीचे मैंने ब्लैक फैब्रिक लगाया है। इसकी लेंथ है 22 इंच, विड्थ है इसकी 11 इंच। तो यहाँ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, 3.5 इंच पे। यहाँ हम चौक की मदद से निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे यहाँ से कट कर लेंगे 20। अब जो हम यहाँ ज़िप लगाएंगे, तो ये मैंने ज़िप ली है, तो ज़िप को हम यहाँ उल्टा रखेंगे, साइड से सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर की सिलाई हमें लगानी है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से जो है सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। एक सिलाई जो हम फिनिशिंग की लगा लेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ, ज़िप को अंदर तरफ करते हुए। तो देखिए यहाँ हमारी सिलाई भी लग चुकी है। ऐसे जो दूसरी साइड से भी हम दूसरे वाले पार्ट को यहाँ स्टिच कर लेंगे और फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने दूसरी साइड भी जो ज़िप लगा ली है। अब जो है पीछे की तरफ जो हम फैब्रिक लगाएंगे ताकि हमारी पॉकेट बन सके यहाँ पर, तो यहाँ साइड से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। तो चलिए फटाफट से यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली, ऐसे दोनों साइड से नीचे की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पॉकेट को जो रेडी कर लिया है, यहाँ से हम आपको ज़िप खोल के दिखाते हैं। अब जो हम यहाँ स्ट्रैप लगाएंगे, तो मैंने दोनों स्ट्रैप बना के रखे हुए हैं। इसकी लेंथ है 15 इंच, विड्थ है इसकी 1 इंच। तो 20 सेंटर पर हम निशान लगाएंगे पहले से फोल्ड करते हुए। अब दोनों साइड से 2-2 इंच छोड़ते हुए यहाँ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। तो धागे को हमें पक्का कर देना है ताकि हमारी स्टिच खुले ना। ऐसे जो हम दूसरी तरफ भी स्ट्रैप को लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरी तरफ भी स्ट्रैप लगा लिए। अब जो हम यहाँ ज़िप लगाएंगे, तो ज़िप का हम एक पार्ट लेंगे और एक पार्ट लेते हुए उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए फटाफट से यहाँ सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब ऐसे जो मैं इसे पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के ऊपर की तरफ। तो चलिए फटाफट से जो यहाँ भी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ऐसे जो दूसरी साइड भी जो हम ज़िप को लगा लेंगे, तो देखिए यहाँ हमारी दूसरी तरफ भी जो ज़िप लग चुकी है। अब जो यहाँ हम बीच में जो रनर को डाल लेंगे इसे सीधा करते हुए। तो देखिए यहाँ मैंने रनर को जो डाल लिया है। अब जो हम इसे उल्टा करेंगे, तो बैग को यहाँ से उल्टा कर देंगे। तो देखिए यहाँ मैंने जो बैग को जो उल्टा कर लिया है, अब इसे हम यहाँ से ज़िप की तरफ से फोल्ड कर देंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से हमें सेट करते हुए फोल्ड कर लेना है इसे। तो अब यहाँ दोनों साइड से जो हम सिलाई लगा लेंगे, तो चलिए फटाफट से जो है सिलाई लगा लेते हैं पहले।
ऐसे सिलाई हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी दूसरी साइड जो सिलाई लग चुकी है, तो यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी साइड से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। ऐसे निशान जो हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। और इसे यहाँ से कट कर लेंगे। ऐसे जो हम दूसरी तरफ से भी इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे, और फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। चलिए फटाफट से यहाँ सिलाई लगा लेते दोनों तरफ। ऐसी सिलाई हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। देखिए हमारी सिलाई जो लग चुकी है, और आप चाहो तो इसे फिनिश भी कर सकते हो या फिर से ऐसे रहने दो। और जो हम इसे पलट लेंगे, तो देखिए यहाँ मैंने बैग को जो पलट लिया है, अब ये हमारा बैग बन के जो रेडी हो चुका है। आप चाहो तो इसे लंच बैग, हैंड बैग, आप इसे कैसे भी कैरी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।